हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है प्रीति जेठा ब्लॉग में। और सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो फिर दोस्तों, आज दूर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अभी सुबह के 9 बज रखे हैं, तो जैसे जाने वाले थे वैसे मधुमक्खी मतलब बकछुट हो गया, अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल भी ऐसी हुआ और आज भी सुबह सुबह ऐसे ही हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा रुक गए हैं, मम्मी लोग तब तक मधुमक्खी को मतलब इकट्ठा कर लेंगे। दिखाती हूँ, पापा पूरा पाइप लेके आ रखे हैं अभी भी। ये देखिए क्या आपत्ति है। अरे गर्मी के दिन शुरू हुए नहीं, मधुमक्खी भागना स्टार्ट कर देते हैं। देखो डर भी लग रहा है कहीं मधुमक्खी काटेगा बोल के। बाहू पर पैन कैसे खेल। ये देखो यहाँ पे पूरा कीचड़ हो गया पानी की वजह से। वो तो अच्छा है कि पाइप की वजह से बढ़िया हो रहा है, वरना तो बाल्टी बाल्टी में पानी इकट्ठा करके फेंकते हैं। तो फिर दोस्तों दीपू आ रहा है मुझे छोड़ने के लिए दूगू तक। दीपू के साथ बात कर रही है, नींद आ रही है यार उसे अभी, पता है। तो फिर दोस्तों हम लोग आ गए हैं मायके से, और छोटी ये रही बात के ले जा रही हूँ इसको मैं, और इसका मुंह ढक रखा है, और साथ में ये दीपू ने मेरा पन्नी बैग पकड़ रखा है। तो दीपू पहुँचाने के लिए आ रहा है। अभी हम पहुँचे हैं सलयूधार में, और बहुत ज़्यादा धूप लग रखा है इसलिए छाता ओढ़ रखा है। तो मौसम सही है अभी, तभी जा रहे हैं क्योंकि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हवा लगता है, तो उस टाइम बच्चे को नहीं ले सकते हैं। तो अभी ठीक टाइम पे जा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अभी। देखिए ये रहा रोड, अब तो सुधर गया और गाड़ी यहाँ भी पहुँच गया। उस दिन आने के दिन भी हम लोग यहीं पर रुके थे, वहीं से तिरछा गए मायके। तो फिर दोस्तों चलते हैं, और देखो बेचारे का देखो इतना सारा बैग हो गया, थकाई लगने वाला है। तो फिर दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कनिका है। मैंने सोचा कनिका सो रखी है लेकिन सो नहीं रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है लड़की। इधर आ, ये देखो कितने बड़े मौकों से देख, क्या देखिए लड़की नींद सो रही है, सो जा नींद नहीं कर। ये देखो हंसरी यार, देख सकते हैं इसे कितने बड़े, क्या बात कर रही है रस्ते में। तो फिर इसको ढकती हूँ। तो फिर दोस्तों चलते हैं यार, इसको ढकते हैं हम सॉल से। टोपी खुल गया, अपने खुलते टोपी, चलते टोपी हाँ। तो फिर दोस्तों चलते हैं, इसका मुंह ढक दिया, चल बनाया। दोस्तों ये देखिए हम घर दिखने लग गया है दूगू का, वहाँ जाना है। और ये नहरी नहर, और ये रहा मंदिर, और दीपू ने तो इतना सारा बैग, बहुत आफत आ गया बेचारे का। तो फिर दोस्तों चलते हैं, थोड़ा हवा जैसा भी चल रहा है। तो फिर ये देखिए छोटी को पकड़ रखा, अभी तो सो गई है ये गोदी में। तो फिर दोस्तों चलते हैं यार, अभी ब्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि रास्ता सही नहीं है, तो बच्चे का ध्यान देना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहे। आगे हम लोग पहुँच गए हैं दूगू, और रूम पर पहुँच गए यहाँ पर। तो इसको लेकर आती हूँ छोटी को। ये देखो दोस्तों कनिका गुस्सा हो गई है क्योंकि ये सोई थी ना, इसको मैंने जमीन में रख दिया, कैसे रो रही है, पकड़ती हूँ इसे मेरे को। ये देखिए दोस्तों ये उठ गई है और गुस्सा भी हो रही है ना, ना खेलेगी ना इस कमरे में ना। तो ये है गगन दा की लड़की, और ये देविता, अरे देवा क्या नाम है, मैं भूल गई, देविता बहनी भी रोती है गंदी बात, ये इतनी बड़ी होकर रो रही है। अच्छा तो ये देखो ये तो खेल रही है हमारी छोटी, यहाँ पे ये रोने लगी है। देविताओं बैनी पकड़ो, बैनी पकड़, बड़ी होके पकड़ना। अभी देखेगी वो दीपू को देख रही है, दीपू को देख रही है अभी। कैसे देखी है गगन दा की लड़की, इसे साफ ही नहीं आ रहा ना अपना यार। हाथ मिलाओ, गुड करो, गुड कर दोनों दोस्तों, एक मोटू एक पतलू, एक को हुए 3 महीने, एक को हुए 8 महीने। कितना खतरनाक सी आ रहा है इनको देख के। ओ मोटू, ए मोटू, ओ पतलू, देखिए दोस्तों कैसे रो रहा है। चीटू कितने बार, कितने टाइम बाद मुझे कितने बार प्रणाम कर दिया।